मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुरुलिया। आज शाम 5 बजे की फ्लाइट है कोलकाता से रायपुर की, और यहाँ से कोलकाता का जो डिस्टेंस है वो बाय रोड ट्रेवल करना है, लगभग 7 से 8 घंटे की ड्राइव है। इस वक्त सुबह के 7:45 बज रहे हैं, फटाफट निकलते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंता विजयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। कॉफी पीते हैं और निकलते हैं। अब इस खूबसूरत है शानदार से रूम को छोड़ने का समय आ चुका है। इस रूम का सबसे खूबसूरत सबसे बेस्ट पार्ट था वो था ये नज़ारा। सुबह आँख खुलते ही कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता था, ये खूबसूरत सा लेक, उस तरफ पहाड़ियाँ, क्या बात है। सुबह के ठीक 7 बज रहे हैं, हमारी कैब भी रेडी है, हमारे चंदन भाई भी रेडी हैं। चंदन भाई गुड मॉर्निंग। चलिए चंदन भाई जी सर, मेरी फ्लाइट कैच करवा दोगे ना जी सर? छूटेगी तो नहीं? नहीं सर। कितने बजे तक पहुँचा दोगे? 2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे ना जी सर। ठीक है, लगी है भूख और सफ़र काफ़ी लंबा है तो नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पर रुके हुए एक छोटा सा होटल दिखा, कुछ खा लेते हैं। ये है यहाँ का मीनू। बंगाली तो मुझे पढ़नी नहीं आती है, अगर आप में से किसी को आती है तो कमेंट करके थोड़ा सा बताओ, ट्रांसलेट कर दो। ब्रेकफास्ट में हम लोग ले रहे हैं ब्रेड ऑमलेट, काफ़ी गर्म है। कैसा बना है चंदन भाई? इस वक्त बज रहे हैं 10:45 और यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं इस फ्यूल पंप पे CNG डलाने के लिए। लगभग 50% डिस्टेंस हम लोगों ने कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर हम लोग कर चुके हैं। वेदर काफी अच्छा है, मैं अभी थोड़ी देर सो गया था, लगभग आधे घंटे का पावर नैप लिया हूँ और उठ के बस लैपटॉप पे कुछ कुछ कर रहा हूँ, काम वाम कर रहा हूँ, डेटा ट्रांसफर वगैरह कर रहा हूँ। फ्लाइट का जो बोर्डिंग टाइम है वो है 4:45, मतलब 4:45 का। एनी हाउ हम लोग को 3 बजे तक कोलकाता पहुंचना है, एयरपोर्ट पहुंचना है। क्या कर देंगे गर्म पानी? सुस्ती आ रही थी भाइयों, नींद सी आ रही थी, तो यहाँ पे रुके हुए इस छोटे से होटल में ब्लैक कॉफी पीऊंगा। कॉफी हर जगह मिलती नहीं है तो मैं कॉफी रखा हुआ हूँ। पानी गर्म करने के लिए बोले हैं चंदन भाई। एक्चुअली थोड़ा कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रहा है, लैंग्वेज का दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे जगह में लोग अच्छे से हिंदी नहीं समझ पाते तो चंदन भाई कम्युनिकेट कर रहे हैं। वैसे हम लोग रुके तो थे कि चाय या कॉफ़ी पियेंगे करके, लेकिन दोपहर हो गई है, भोजन का भी टाइम हो गया और इस छोटे से होटल पर ताज़ा खाना बन रहा था तो हम लोग सोचे कि खाना ही खा लेते हैं, फुर्सत हो जाएंगे, रास्ते में रुकना नहीं पड़ेगा। फिर लंच में ले रहे हैं रोटी, चिकन, प्याज, मिर्ची। शुरू करें? अच्छा बना, सही है ना? बज गए दोपहर के 3 और हम लोग पहुंच चुके हैं कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय। राइट टाइम पे पहुंचा दिए चंदन भाई, थैंक यू वेरी मच। ये रहा कोलकाता का एयरपोर्ट। दोपहर के 3:15 बज रहे हैं और डीजी यात्रा ऐप में मैं रजिस्टर कर लिया हूँ, उसके थ्रू क्विकली चेक इन कर लूँगा और सिक्योरिटी चेक वगैरह भी जल्दी पार हो जाएगा। चलते हैं अंदर। ये है कोलकाता का खूबसूरत सा एयरपोर्ट। आज इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है और मैं गेट के सामने ही हूँ। फ्लाइट का बोर्डिंग लगभग 5-10 मिनट में चालू होने वाला है। बस घूम रहा था, घूमते घूमते टाइम पास कर रहा था, लग गई अभी जम के भूख तो कॉफ़ी लिया हूँ और सैंडविच बन रहा है। बस थोड़ी देर में बोर्ड करेंगे, उड़ेंगे रायपुर के लिए, लगभग 1.5 घंटे की फ्लाइट है। हाँ, ये अपना सैंडविच भी प्रिपेयर हो गया, कॉफ़ी पीते हैं, सैंडविच खाते हैं और निकलते हैं।
ये वाली फ्लाइट है, ये है उड़न खटोला जो रायपुर लेके जाएगी, रायपुर के लिए उड़ान भरेगी। नोटिस करो पंखे वाला है, प्रोपेलर वाला है, छोटा फ्लाइट है। मज़ा आता है लेकिन इसमें फ्लाई करने में। चलते हैं। शाम के 8:10 हो रहे हैं, पहुंच गया मैं रायपुर और विवेक आया हुआ है लेने के लिए, एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रहा है, अभी कॉल किया था वो। चलते हैं घर चलते हैं, थकावट नहीं लग रही है। वैसे मैं फ़्लाइट में सो गया था तो लगभग 1 घंटे की मस्त नींद मार के आ रहा हूँ। ये क्या मशीन है भाई, पहली बार देख रहा हूँ रायपुर एयरपोर्ट में। क्या काम आती है मशीन, क्या चीज़ का मशीन है, भी है क्या काम आता है? ये लिफ्ट है सर। लिफ्ट है, अच्छा कुछ बनाने वनाने के लिए इलेक्ट्रिक? ये सब ये ग्लास वगैरह पर। अच्छा, कुछ बनाना हो या क्लीन करना हो सब इसी से होता है? सब इसी। ओके ओके, लिफ्ट है वो। अपना रायपुर का खूबसूरत सा छोटा सा एयरपोर्ट, विवेक पार्किंग के बाहर खड़ा है तो वहाँ तक वॉक करके जा रहा हूँ। रायपुर आके बहुत अच्छा लग रहा है और ये सोच के और अच्छा लग रहा है कि भाई कल मैं जिम जाऊँगा फाइनली। जिम मिस होता है तो बहुत मैं सैड हो जाता हूँ, तो कल से जिम चालू। एक दिन जिम मिस हुआ था बस वहाँ पे, आज ही मिस हुआ है, कल तो गया था मैं। और उस तरफ हमारे विवेक बाबू पहुँच चुके हैं डूक में। कैसे विवेक, फुल राइडिंग गियर्स वेयर्स में? बस निकला था आज। पहुँच गया मैं घर और गोलू भी अभी स्लिम हुआ है, गोलू भी अपने फिटनेस पे काम कर रहा है। पढ़ाई कैसी चल रही है? सही। पढ़ाई भी सही चल रही है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाएंगे और चैनल पर नए हैं डू सब्सक्राइब। राइट सेफ ऑलवेज वियर हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।